अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होगे। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ AIOU। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। स्टूडेंट्स, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे फ्रेश और कंटिन्यू एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं और इस वीडियो में आज मैं आप लोगों की जो हमारे फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, अगर वो किसी BS वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं, BBA वगैरह में, BEd वगैरह में, मैं आज सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एडमिशन दिखा देता हूं कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में किस किस प्रोग्राम में और कौन कौन से अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ऑफ़र किए हमारे। इसमें मैं क्राइटेरिया भी बताऊँगा आप लोगों को और मैं थोड़ी बहुत आप लोगों को फ़ीस की इन्फॉर्मेशन भी दे दूँगा इसमें। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास BS प्रोग्राम है जो कि हमारा 4 साल है। इसमें हमारे पास अकाउंटिंग है, अरबी है, इकॉनमी है, हिस्ट्री है, पाकिस्तान स्टडी है, सोशियोलॉजी है, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज है, वुमेन स्टडी है, उसके बाद लाइब्रेरी है, उर्दू है, मास कम्युनिकेशन है, उसके बाद इस्लामिक स्टडी है। ये हमारा 4 साल BS है और ये हमारे सामने हैं जो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 4 साल BS में हमें ऑफ़र किए हैं। तो अभी इसकी हम क्राइटेरिया की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपने FA, FSC, ICOM, ICS आपने 33 नंबरों के साथ पास किया हुआ है किसी कॉलेज वगैरह से, तो आप 4 साल BS में एडमिशन ले सकते हो। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तो खैर जो हमारे FA के स्टूडेंट्स हैं वो 45% से ऊपर नंबर ही लेते हैं वो, लेकिन जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं अगर किसी के 33% नंबर हैं तो वो 4 साल BS में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है आगे 2.5 साल BS जिसमें अकाउंटिंग, अरबिक, इंग्लिश, इकॉनमी, उसके बाद पाकिस्तान स्टडी, लाइब्रेरी, उर्दू, सोशियोलॉजी और इस्लामिक स्टडी है, दर्स निज़ामी है, जर्नल है, कुरान तफसीर है, ये हमारे पास है। 2.5 साल प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए BS में आप लोगों के BA या फिर एसोसिएट डिग्री आर्ट्स या फिर जो हमारे BSc के पुराने स्टूडेंट हैं उनके 45% नंबर होना ज़रूरी है। अगर 45 है तो वो 2.5 साल BS के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। थोड़ी सी बात इधर मैं गाइड कर दूं जो कि ख़ास तौर पे जिनकी अभी एसोसिएट डिग्री आर्ट्स कम्प्लीट हुई है, आप लोगों को भी 2.5 साल BS में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। जो एसोसिएट डिग्री आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं बेशक उन्होंने 66 क्रेडिट के साथ अपनी एसोसिएट डिग्री की है, उसके बाद हमारे पास है आगे 2 साल BS जो कि AD बेस पे है, लेकिन ये AD हमारा ख़ास वाला है जिसने एसोसिएट डिग्री कॉमर्स किया है किसी एक सब्जेक्ट में, क्योंकि कॉमर्स है ये एक सब्जेक्ट में है, तो वो 2 साल BS में एडमिशन लेगा। और 2 साल BS की भी फिर इसकी शराइत है कि आपने 66 क्रेडिट के साथ आपने एसोसिएट डिग्री कॉमर्स आपने कंप्लीट की हो तो आपको इसमें मिलेंगे, और आपके इसमें 50% नंबर होना ज़रूरी है, चाहे वो बाहर के स्टूडेंट हो या चाहे वो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अपने स्टूडेंट्स हो। जैसे एसोसिएट डिग्री लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन है, एसोसिएट डिग्री मास कम्युनिकेशन है, ये 2 साल BS में एडमिशन लेंगे ये, और इसका क्राइटेरिया है 50% नंबर। उसके बाद हमारे पास 4th नंबर पे है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जिसमें एसोसिएट डिग्री आर्ट्स है हमारे पास, कॉमर्स है, उसके बाद BA ओपन कोर्स है। एसोसिएट डिग्री आर्ट्स के लिए आपके FA में 33% नंबर होने चाहिए आपके, एसोसिएट डिग्री कॉमर्स के लिए आप लोगों के 45% नंबर होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आगे हैं हमारे पास BEd दो के 2.5 साल भी है, 1.5 साल भी है, 4 साल भी है। 1.5 साल BS में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपने जो BS किया होगा या मास्टर किया होगा, MSc की होगी, इसमें आपके 50% नंबर होना ज़रूरी है। 2.5 साल उसके बाद हमारे पास BEd है, इसमें भी आपके 50% नंबर होना ज़रूरी है अगर आप 2.5 साल BEd में एडमिशन लेते हो तो। उसके बाद 4 साल BEd है हमारे पास, 4 साल BEd के लिए आप लोगों के 45% नंबर होना ज़रूरी है FA, FSC, ICOM, ICS में। BBA प्रोग्राम का भी हमारा सेम यही क्राइटेरिया है कि 4 साल BS है वो हमारा 45% नंबर होना ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारे पास 2.5 साल BS है उसमें भी हमारे 45%, और जो हमारा 2 साल BBA है उसमें हमारे 50% नंबर होना ज़रूरी है।
ये तो हो गई, मैंने आप लोगों को प्रोग्राम के हवाले से बता दिया, क्राइटेरिया बता दिया मैंने। अभी बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। तो आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन का ये फ़ायदा है कि आप लोगों का एडमिशन जल्दी कन्फर्म होता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन वगैरह लग जाए तो वो इधर से ही आप लोगों का रिमूव हो जाएगा। अगर आप प्रॉस्पेक्ट से भेजोगे तो उसका एडमिशन कन्फर्म होने में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं जो हमारे कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया था कि कंटिन्यू स्टूडेंट्स के भी एडमिशन ओपन है। जिनका कोई सेमेस्टर क्लियर है, कोई ज़ीरो वाला मसला उनका नहीं आ रहा है, कोई असाइनमेंट वाला उनका मसला नहीं आ रहा है नंबर का, तो वो अपने अगले सेमेस्टर का एडमिशन भेज दें। वो जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं, जिनका दूसरा सेमेस्टर है या फिर तीसरा है चौथा है, वो अपना एडमिशन भेज दें वो। उसके बाद जिन्होंने जिनका अभी पहला सेमेस्टर है, उन्होंने दूसरे सेमेस्टर का एडमिशन भेजना है, उनके अभी पेपर भी नहीं हुए, तो भाइयों आप लोगों को इधर पहले एडमिशन भेजना पड़ेगा दूसरे सेमेस्टर का, उसके बाद आप लोगों के पेपर भी हो जाएंगे। और कंटिन्यू स्टूडेंट ने अपना एडमिशन कैसे भेजना है, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं उसमें बताऊंगा कि आप लोगों ने जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने CMS से अपना एडमिशन कैसे भेजना है। उसके बाद अभी बात कर लेते हैं कि जिनकी जो स्टूडेंट्स किसी किताब में रह गए, अभी पास नहीं हो सके, उनका उधर फेल लिखा रहा है और वो वाकई ही फेल है, उनका मसला भी नहीं है नंबरों का, तो उन्होंने उस कोर्स की सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन भेजनी होगी। यूनिवर्सिटी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं की है, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी तक हमने रिज़ल्ट कम्प्लीटली अपलोड नहीं किया है। जैसे वो रिज़ल्ट कम्प्लीटली अपलोड कर देंगे वो, तो फिर इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी। आपने सिर्फ उसका पेपर देना होगा, असाइनमेंटें भी नहीं लिखनी होंगी, वर्कशॉप भी अटेंड नहीं करनी होगी, ये वाले काम आप लोगों ने फिर नहीं करने होंगे। लेकिन उसके लिए फिर एक शर्त है कि आप लोगों ने वर्कशॉप सारी अटेंड की हो पिछली, तो तभी आप रजिस्ट्रेशन के आप अहल होगे, वरना फिर आपको दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, तो अभी हम चलते हैं अपनी फ़ीस की तरफ। हम ये हमारे पास थर्ड नंबर पे प्रॉस्पेक्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आपने भी एडमिशन लेने से पहले एक बार प्रॉस्पेक्ट को बगौर देख लेना है, और इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्रॉस्पेक्ट का, ताकि आप लोग उधर अपनी फ़ीस वगैरह, उसके बाद कौन कौन सी किताबें हैं वो आप लोग देख सको, एक सेमेस्टर में कितनी किताबें हमारे पास। तो मैं सबसे पहले BEd की प्रॉस्पेक्ट को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम को तो मैंने बता दिया था कि 4800 इसकी फ़ीस है, तो उसका तो अभी मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये हमारे पास ओपन हुई है, हमारे पास गालमान BBA या BS की, चलो अभी देख लेते हैं कौन सी हमारे पास प्रॉस्पेक्ट ओपन हुई है। सबसे पहले जी हमारे पास BEd वगैरह की ये हमारे पास ओपन हुई है, जो कि 1.5 साल है, 2.5 साल है, इसका क्राइटेरिया तो मैंने बता दिया है, मैं सिर्फ थोड़ा सा इधर आप लोगों को फ़ीस का गाइड करने लगा हूँ मैं। तो हमारे इसमें जो हमारे पास ये सबसे पहले 1.5 साल BEd है, इसकी हमारे पास फ़ीस शो हो रही है 23,980 रुपये। उसके बाद इसकी थोड़ी बहुत मैं किताबें दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देख सकते हो आप लोगों के 3 सेमेस्टर होंगे इसमें, और ये डिफरेंट हमारे पास 1.5 साल BEd है ये। उसके बाद जो 2 साल BEd है उसकी भी फ़ीस इतनी ही होगी पहले सेमेस्टर की हमारे पास, 23,980 रुपये, ये हो गया। उसके बाद अभी हम चलते हैं अपनी BS वाली प्रोस्पेक्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास 2 साल, 2.5 साल, 4 साल, ये सारे के सारे हमारे पास BS हैं हमारे पास ये। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास कौन सा BEd, सॉरी BS, BS फिनेंस जी, ये हमारा 4 साल BEd है सबसे, सॉरी BS है हमारा 4 साल। और अगर हम इसकी फीस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो पहले सेमेस्टर की फीस हमारे पास शो हो रही है 14,520 रुपया शो हो रही है हमारे पास, ये 4 साल की हमारे पास। उसके बाद फिर आगे हम देख लेते हैं बाकी भी हम, लेकिन ये 4 साल हमारा डिफरेंट हमारी शो हो रही है इधर, जैसे ऊपर था फिनेंस, ये है पाक स्टडी 4 साल, तो इसमें हमारे पास इसकी फीस शो हो रही है 16,060 रुपया। चलो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, 2.5 साल हमारे पास आगे है पाकिस्तान स्टडी, वो 4 साल था,
तो इसकी फ़ीस भी तकरीबन 16,060 रुपये हो गई। उसके बाद फिर हाँ ये 2.5 साल की, क्योंकि एक ही जगह फीस आती है, 2.5 साल की हमारी ये ही है। तो उसके बाद अभी थोड़ा सा इधर ये हम मेरे सामने आ गया है, चलो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग फ्रेश एडमिशन लेते हो तो इसमें आप लोगों को क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास आप इधर देख सकते हो असाइनमेंटें हमारे पास, जिसके हमको 20 फीसद नंबर मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास है क्यूज़, जिसके हमें 20 फीसद नंबर मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास है अटेंडेंस, इसके भी हमें 10 नंबर मिलेंगे। फाइनल एग्ज़ाम है, इसके हमें 50 नंबर मिलेंगे। ये ऐसे आप लोगों के नंबर तकसीम होने हैं आप लोगों के। उसके बाद ये हमारे पास एक 4 साल और आया है जो कि BBA है हमारा। इसकी हमारे पास जो फीस सामने आ रही है 13,750 रुपये फीस आ रही है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की 13,000 से लेकर डिफरेंट डिग्री के लिहाज से, डिफरेंट प्रोग्राम के लिहाज से फीसेज आ रही हैं 13,000 से लेकर तकरीबन 16,000 जो ना हमारे पास है ये। लेकिन ये प्रॉस्पेक्ट के पेज काफ़ी हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो 2 साल, हाँ ये आ गई 2 साल डिग्री भी मेरे सामने आ गई है। 2 साल डिग्री का भी अभी आप लोगों को गैस हो जाएगा। ये 2 साल हमारे पास है BBA, जिसका मैंने आपको बताया था कि जिसने 2 साल एसोसिएट डिग्री किसी खास सब्जेक्ट में की हो, तो उसकी हमारे पास फीस आई है 16,060 रुपये। आप लोगों की 13,000 से स्टार्ट होकर तकरीबन 16,000 तक फीस आ रही है। उसके बाद अभी अप्लाई करने का तरीकेकार, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लंबी होती जा रही है। आज की वीडियो इतनी थी। अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द मैं अगली वीडियो बनाऊँगा इस पर, मैं अप्लाई करने के लिहाज से। अल्लाह हाफिज़।